चुनावी मौसम में सियासी पटाखों की बिक्री जोरदार होती है, सो कांग्रेस ने अपनी अलग दुकान सजाई, एजेंसी हायर की गई और उसे सर्वे की जिम्मेदारी दे दी गई कि पता लगाओ कि मोदी बम लोगों को पसंद है या राहुल फुलझड़ी। सबका मन भावन, कांग्रेस का संसाधन, कांग्रेस की एजेंसी, बावजूद सबके नतीजे भाजपा ही आए। पता लगा कि दिवाली के मौके पर मोदी बम की डिमांड सबसे ज्यादा है। जोरदार ब्रांडिंग और शानदार पैकेजिंग के बावजूद राहुल फुलझड़ी मोदी बम के सामने फुस हो गई। दिवाली का सारा मजा इस सर्वे ने किरकिरा कर दिया। कांग्रेस के लिए राहत की बात बस यही रही कि राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन राफेल और भ्रष्टाचार जैसे जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, देश की जनता उसे कोई तवज्जो नहीं दे रही। जनता की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, नोटबंदी और किसानों की समस्या पर भी नाराजगी है। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस का सर्वे ये बताता है कि शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे बड़ी पसंद बन गई हैं और केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। माना जा रहा है कि चूंकि ये सर्वे कांग्रेस का है, इसीलिए एजेंसी ने राहुल गांधी की लोकप्रियता को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया है। सर्वे की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं। NTI पॉकेट टीवी के लिए अयोध्या प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।